ऑल ऑफ स्टूडेंट पीडीएस के ऑनलाइन ग्रुप में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं विक्रम सर आपको कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ाने चल रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम लोग सबसे पहले चर्चा ये करेंगे व्हाट्स मीन चार्ज अर्थात चार्ज कहते किसे हैं, आवेश कहते किसे हैं। आवेश इसको अंग्रेजी में बोला जाता है चार्ज। एक बार विचार कीजिए, चार्ज एक ऐसा शब्द है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में अनवरत सुनते चले आए हैं और सुनते भी हैं। चार्ज की भूमिका सबसे पहले बनाई गई थी आज से लगभग 600 साल पहले। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने चार्ज की भूमिका सबसे पहले बनाई थी। उन्होंने सबसे पहले देखा कि जब हम बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं अथवा सरकंडे की गोलियों को रगड़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चार्ज उत्पन्न होता है, एक विशेष प्रकार की तड़तड़ाहट की आवाज आई। साथ ही साथ आप लोग विचार कीजिए कि जब हम लोग ठंडी के दिनों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो जब उसको हम उतारते हैं तो हमारे शरीर से एक विशेष प्रकार की तड़तड़ाहट चरचराहट अथवा हल्की हल्की चिंगारी जैसी कुछ निकलती है, यही चार्ज है, इसी को चार्ज कहा जाता है। लेकिन एज ए डिफिनीशन हमको अगर डिफाइन करना हो कि चार्ज किसे कहते हैं तो चार्ज की परिभाषा यह है कि आवेश एक ऐसी अदिश राशि है जो जो वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। आवेश एक ऐसी राशि है, एक ऐसी अदिश राशि है जो वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। वैसे देखा जाए तो इसकी कई परिभाषाएं हैं। जैसे एक परिभाषा हम लोग ये भी कह सकते हैं, आवेश किसी परावैद्युत पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है, आवेश कहलाता है। और भी कई परिभाषा है, तरह तरह के वैज्ञानिकों ने कई परिभाषाएं दी है, लेकिन इसकी सबसे बेटर परिभाषा यही है कि आवेश एक ऐसी अदिश राशि है जो किसी वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करती है। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रा कूलाम और इसकी बीमा एटी होती है। एटी इसका मात्रक कूलाम तथा इसकी बीमा क्या होती है, एटी होती है।
अब हम लोग जानेंगे कि आवेश में क्या क्या गुण है। आवेश की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ लिया, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम है। कूलाम का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडी कूलाम। क्या नाम था? एडी कूलाम। इनका पूरा नाम बताया जाता है अगस्टन डे कूलाम। अगस्टन डे कूलाम के नाम पर ही इसका आवेश का मात्रक कूलाम पड़ा। और इसकी बीमा क्या होती है भैया? 80 होती है। क्या होती है इसकी बीमा? 80 होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड चार्जेस, यानी आवेश में क्या क्या गुण होते हैं, यानी आवेश के गुण। आवेश के गुण, आवेश के गुण को जानने से पहले एक बात को जानना जरूरी होता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सभी लोग जानते होंगे कि आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश का अर्थ होता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो धनावेश कहलाते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो ऋणावेश कहलाते हैं। फिर से ध्यान देंगे, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वहां पर धनावेश होता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पर ऋणावेश होता है। तब आइए हम लोग सीखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज यानी आवेश के गुण। तो आवेश की सबसे पहला गुण यह है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात जब हम प्लस को प्लस से करेंगे तो हमारा क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। माइनस को माइनस से करेंगे तो हमारा प्रतिकर्षण होगा। प्लस को माइनस से करेंगे तो हमारा आकर्षण होगा। और या फिर माइनस को प्लस से करेंगे तो भी हमारा क्या होगा? आकर्षण होगा। ये हमारा क्या है? आवेश का पहला गुण है। दूसरा गुण आवेश का यह है कि सभी आवेश योज्य होते हैं। आवेश क्या होते हैं? योज्य होते हैं। मान लीजिए हमारे पास कई आवेश Q1, Q2, Q3, Qn तक हैं, तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। अर्थात Q बराबर होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस .. तक जोड़ सकते हैं। ये आवेश का दूसरा गुण है कि आवेश क्या होते हैं? जोड़े जा सकते हैं, यानी आवेश योज्य हैं। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको हम मिटा देते हैं। मिटा आवेश की तीसरी क्वालिटी यह है कि आवेश को क्वांटीकृत किया जा सकता है। आवेश
क्वांटीकृत है, अर्थात क्यू बराबर होता है एन इंटू ई। क्या होता है क्यू बराबर एन इंटू ई, जहां एन का अर्थ ए दो तीन चार ये भी हो सकता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है, ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। इसकी इसका चौथा गुण यह है कि आवेश संरक्षित है। संरक्षित का अर्थ होता है यह सुरक्षित है, अर्थात आवेश ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं ना ही आवेश नष्ट किए जा सकते हैं। आवेश ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं ना तो नष्ट किए जा सकते हैं। हालांकि संरक्षण का अर्थ ही होता है कि सुरक्षित है। आप लोग जानते होंगे कि आवेश ऊर्जा द्रव्यमान और संवेग ये सभी संरक्षित हैं। ये सभी क्या है संरक्षित हैं, अर्थात ना तो ये उत्पन्न किए जा सकते हैं ना तो ये नष्ट किए जा सकते हैं, इन्हें केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अगली बार देखेंगे आवेश का सूत्र क्या होता है। आवेश का सूत्र होता है क्यू बराबर आई इंटू टी। क्या फार्मूला होता है क्यू बराबर आई इंटू टी, अर्थात आवेश बराबर होता है आई का मतलब है धारा, टी का मतलब है समय। आई का मतलब क्या है आई धारा होती है, टी क्या होता है समय, यानी आवेश बराबर होता है हमारा धारा गुणे समय। रही बात मात्रक और बीमा की, इसको हम लोगों ने बता ही दिया है। अब आपको साथ ही साथ यह भी हम बता दें कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, माइनस 1.6×10⁻¹ कूलम। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है 1.6×10⁻¹ कूलम। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात यह आवेश रहित होता है। यह क्या होता है आवेश रहित होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6×10⁻¹ कूलम का आवेश होता है। प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6×10⁻¹ कूलम। न्यूट्रॉन पर कुल कितना, न्यूट्रॉन पर किसी भी आवेश नहीं होता है, अर्थात यह आवेश रहित होता है। बस आज के लिए इतना ही। अब आज हमने जो भी टॉपिक पढ़ाई है, अगर इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 88 58 19 58 65 पर व्हाट्सएप करके अथवा कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।